हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोशेट एंड क्राफ्ट। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप छोटी बच्ची से लेके दादी नानी किसी के लिए भी बना सकते हो और बहुत फटाफट बनने वाला प्रोजेक्ट है। फ्रेंड्स, ये मैं बना रही हूँ एक ऐसा टॉप जैसा या जैकेट कह सकते हो, या साड़ी के ऊपर आप ब्लाउज की तरह पहन सकते हो, कुर्ते के ऊपर पहन सकते हो। कॉलेज जाने वाली लड़कियां हो या बच्चियां हो, या आप खुद के लिए, या अपनी दादी नानी के लिए, सासू माँ के लिए, मम्मा के लिए, किसी के लिए बना सकती हो आप बहुत आसानी से। जो क्रोशिया सीख रही हैं बहनें, उनके लिए बहुत ही आसान है ये। अगर आपने कभी नहीं बनाया है ब्लाउज या जैकेट या टॉप, तो आप जरूर ट्राई करना, बहुत आसानी से बन जाएगा और बड़ा स्टाइलिश लगता है। थोड़े से वूल में बनता है ये। मैंने हाफ बनाया है ब्लाउज, क्योंकि ये साड़ी पे भी पहन सकते हैं और कुर्तों पे भी। अगर आपको चाहिए तो आप फुल भी बना सकती हो, वो कैसे मैं बताऊंगी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा। फिर कमेंट्स आते हैं कि आपने ये नहीं बताया, ये चीज मिस हो गई। तो फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैंने कैसे बताया है, आप बना लोगे इजिली। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप अपने पसंद का कोई भी रंग ले लो, मैंने ये रानी पिंक लिया है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉकी ब्रांड का वूल है। ये है तो 3-ply, पर ये थोड़ी थिक है और ये हल्की होती है, तो ये काफी बड़ी गोला बन के आता है इसका। ऐसे ये 100 ग्राम का गोला मिलता है मार्केट में। आप अपने हिसाब से कोई भी वूल यूज कर सकते हो, 4-ply, 3-ply। अगर आपको आपके अगर वहां ठंड कम पड़ती है तो आप 3-ply वूल से भी बना सकते हो, और अगर ठंड ज्यादा पड़ती है तो आप 4-ply वूल भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक बड़ा साइज बनाया था, XXL साइज, XL XXL दोनों को आ जाएगा वो। तो वो साइज बनाने के लिए मैंने 5, जैसे ये 3-ply है, वो 5-ply वूल है, थोड़ी मोटी बनी है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी मैंने वो कैसे बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चेन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन बना के यूं बंद कर देंगे स्लिप नॉट से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। फ्रेंड्स, मैंने ये 3 चेन बनाया, ये देखिए। अब मैं यहां पे बनाऊंगी 1 डबल क्रोशिया। हम चेन को भी गिनेंगे। तो ये हमने एक चेन बनाया था 3 का, 1, 2, 3 गिनेंगे हम। फिर मैं यहां पे बनाऊंगी 1 चेन, फिर मैं यहां पे बनाऊंगी 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसे आप श्रग की तरह पहन सकते हो, ब्लाउज के ऊपर स्वेटर की तरह पहन सकते हो, कुर्ती के ऊपर, सूट के ऊपर, जैकेट की तरह पहन सकते हो दिन के समय कम ठंड में, बहुत स्टाइलिश लगता है। फ्रेंड्स, आप इसे बॉर्डर के साथ भी बना सकते हो और बिना बॉर्डर के भी। मैं आगे पिक्चर्स शेयर करूंगी, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आप किस किस तरह से इसे बना सकते हो। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 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 और ये लास्ट सेट बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया का, 1, 2, 3। अब 1 चेन बना के जहां से हमने इसे शुरुआत किया था, ये 3 चेन से इसके ऊपर में यूं करके हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, अब मैं नेक्स्ट लाइन बताती हूँ आपको। ये हमारा पहला लाइन बन गया। अगर फ्रेंड्स आपका ये टाइट बनता है, मतलब ये कटोरी की तरह बनने लगता है, तो आप बीच बीच में 1 चेन के बदले 2-2 चेन दे सकते हो। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा खराब है, खांसी है, तो एक्सक्यूज मी। ये देखिए, 3 चेन बनाया मैंने। इस गैप में जो हमने 1 चेन का गैप दिया था 3-3 के बाद, उसी गैप में हमने 3 चेन और बनाया, 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 और डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बिना कोई चेन दिए इस गैप में आ जाएंगे, जो 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन बनाया था हमने, उसी गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2,
तीन। अब एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में, ये जो एक चेन का गैप था ना, इसी गैप में तीन डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम, एक दो तीन। फिर नेक्स्ट गैप में आ जाएंगे, तीन डबल क्रोशिया के बाद वाला जो गैप है इसमें, और यहां पे भी हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। अगर आपका ये टाइट बन रहा हो, कटोरी जैसा शेप आने लगे, तो आप दो चेन भी डाल सकती हो एक चेन के बदले। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिना कोई चेन दिए इस गैप में आ जाएंगे, यहां पर भी एक दो तीन, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहां पर एक दो तीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए तीन एक चेन तीन, तीन एक चेन तीन, ऐसे करके हमने पांच बार बनाना है, क्योंकि नीचे हमने पांच बार तीन तीन का बनाया था। फिर इस गैप में आ गया बिना कोई चेन दिए, यहां पे भी हम बनाएंगे एक दो तीन, एक चेन, फिर एक दो तीन। अब बिना कोई चेन दिए हमने जहां से शुरुआत किया था उस गैप में आ जाएंगे यहां पर, और यहां पे हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, दो तीन, एक चेन देंगे, और ये जो हमने शुरुआत की थी तीन चेन के साथ, यहां पे हम इसे यूं करके बंद कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो फ्रेंड्स इस तरीके का बनेगा। अब मैं थर्ड लाइन बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स थर्ड लाइन में हमें, ये देखिए इसी गैप में हम, इन दोनों के बीच वाला जो जगह है, इस गैप में हम बनाएंगे एक दो तीन डबल क्रोशिया, सॉरी तीन चेन एक डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया। अब ये हो गए हमारे तीन डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स, तीन चेन एक डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया, इस चेन को भी हमने काउंट कर लिया। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये करना है कि एक दो तीन, जो हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है ना यहाँ पर, उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इधर वाला जो पहला है हमारा, इस तीन का पहला वाला, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर हम ये जो इन दोनों के बीच में एक चेन का जो जगह है ना, उसमें हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, तीन डबल क्रोशिया। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो आपको बहुत मजा आएगा बना के, लोग बहुत तारीफें करेंगे कि इतना प्यारा स्वेटर आपने बनाया अपने लिए। आप फुल स्लीव्स की भी बना सकते हो, हाफ स्लीव्स की भी अच्छी लगती है। ये देखिए, अब एक दो तीन, तीसरा डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले में जो यहां से तीसरा है, मतलब ये पहला, देखो यहां से फ्रेंड्स ऐसे दो, मतलब जैसे हम ये बना रहे थे बीच में हमारा तीन तीन जा रहा था, ऐसे ये जाएगा लाइन से ऊपर की तरफ, लेकिन बीच में हम ऐसे दो दो करके घर बढ़ाते जाएंगे। तो इस लाइन में, थर्ड लाइन में हमने यहाँ दो घर बढ़ाए हैं, और यहाँ पे फिर से हम वैसे ही तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, और यहां पर भी तीन डबल क्रोशिया करेंगे। Excuse me. और उसके बाद यहां पर देखिए एक दो तीन, तीसरे में और इसमें, इसके बाद वाले में दो डबल क्रोशिया बनाया हमने। फिर से इस गैप में हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, तीन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर पहले वाले में और दूसरे वाले में एक एक करके, ऐसे ही करके फ्रेंड्स हम पूरा लाइन खत्म करेंगे। आप ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीडियो स्किप मत करना फ्रेंड्स, पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, और आप फटाक से एक दिन में ही बना के पहन लोगे और लोग तारीफ करेंगे। ये देखिए मैंने इस गैप में फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाया, और फिर से एक दो तीन डबल क्रोशिया,
फिर एक दो तीन तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल वाले में एक डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर हम इस गैप में बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक चेन तीन डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो मैं ये पूरा करके आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड लाइन पूरा हो गया हमारा। अब फोर्थ लाइन स्टार्ट करेंगे हम। फोर्थ लाइन के लिए भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तीन चेन बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारा तीन चेन को भी हम एक गिनेंगे, तीन हो जाएगा। फिर देखिए एक दो तीन, तीसरे में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बाद वाले में बनाना है, फिर उसके बाद वाले में बनाना है। टोटल हमने दो के ऊपर यहाँ चार बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए एक दो तीन, तीसरे में बनाएंगे पहला, फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, फिर यहाँ पे जो पहला वाला है इसके ऊपर, और फिर हम इस गैप में तीन डबल क्रोशिया, एक चेन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तीसरे में एक डबल क्रोशिया, चौथे में एक डबल क्रोशिया, पांचवे में एक डबल क्रोशिया, छठे में एक डबल क्रोशिया। देखिए कितने हुए हमारे, चार। ठीक है, यहाँ दो थे, यहाँ चार हो गए। एक दो तीन, तीसरे से शुरू करेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, फिर ये तीन के पहले वाले में एक के ऊपर एक। ठीक है फ्रेंड्स, फिर गैप में तीन डबल क्रोशिया, एक चेन तीन डबल क्रोशिया। अगर ये कटोरी के शेप का बन रहा है टाइट टाइट, तो आप इस एक चेन के बदले दो चेन बना सकती हो, एक दो तीन। क्योंकि क्रोशिया मैंने फ्रेंड्स जो, क्योंकि वूल जो मोटा है तो मैंने क्रोशिया मोटा रखा है 3.5। अगर आपका वूल पतला है, 3 प्लाई है या 4 प्लाई भी पतले आते हैं कुछ, तो आप 2.5 mm का हुक यूज करना, नहीं तो बहुत लूज लूज बनेगा। अब देखिए ये तीन डबल क्रोशिया, एक चेन तीन डबल क्रोशिया के बाद हमने एक दो तीन, तीसरे में बनाएंगे एक, फिर यहां जो हमने बनाया था एक के ऊपर एक, फिर ये जो बनाया था हमने इसके पहले लाइन में एक के ऊपर एक, फिर यहां पर एक के ऊपर एक, और फिर इस गैप में तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, एक चेन, फिर एक दो तीन। दोस्तों हमें ऐसे ही करके ये लाइन खत्म करना है। तो देखिए ये जो हमारा है ये ऐसे एक जाएगा, दो जाएगा, तीन चार पांच, तो ये हमारा पांच ऐसे कोनों वाला बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में हमें दो चार छ आठ ऐसे करके लाइंस बढ़ाने हैं। तो अगर आप छोटी बच्ची के लिए बनाओगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक दो तीन चार पांच लाइन का बनाना है। ठीक है, और अगर आप बड़ों के लिए बनाओगे तो आप 7 लाइन का बना सकते हो। मेजरमेंट कैसे रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ऐसे ही हमें लाइन बढ़ाते जाना है। मैं आपको एक दिखाती हूँ जो मैंने पहले से बना के रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें पांच कोनों वाला यू करके बनाना है। एक्सक्यूज मी, देखिए ये एक ऐसे गया, ये एक ऐसे गया, ये एक ऐसे गया, ऐसे और ऐसे, और बीच में ये देखिए दो, दो के बाद जैसे मैंने यहाँ बनाया चार, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, उसके बाद ऊपर में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा ही बड़ा बना रहे हो, मतलब ये जो मैं बना रही हूँ ये 32 साइज तक वालों को आ जाएगा, 32 से 34। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे बड़ा मैंने बनाया है एक, वो 36 से 38 साइज तक को आ जाएगा, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे ही बनाना है, बस हर लाइन में आप दो दो बढ़ाते जाओगे, ये आपका वैसे ही जाएगा, तीन एक तीन, तीन एक तीन करके ऊपर जाते रहेगा। बीच में ही बस दो चार छ आठ दस,
ऐसे करके जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको अब इनको जोड़ना बताऊंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार देख लो। ये देखो फ्रेंड्स, एक दो तीन, तीसरे में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन, जो हमारा तीन तीन डबल क्रोशिया है ना फ्रेंड्स, उसी के जो ये देखो लास्ट वाले में और इधर वाले के पहले वाले में ऐसे करके हमें बनाना है। ये देखिए ये चार बन गए हमारे, एक दो तीन चार। अब फिर बीच में आ जाएंगे और तीन, ये ग्रैनी स्क्वायर का फ्रेंड्स बोलते हैं ये। इसमें मैंने श्रग भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखना। और भी मैंने कई चीजें बनाई हैं, जैकेट भी बनाया है ग्रैनी स्क्वायर से, तो आप वो भी देखना, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ये बीच वाला बना के फिर मैं एक दो तीन तीसरे में आ गई, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, और फिर इस गैप में एक, दो, तीन, एक चेन, और यहां पर यूं करके इसे बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम, ये देखिए इधर वाला, ये हमारा टोटल एक दो तीन चार पांच छह सात लाइन का है। हमने यहाँ एक दो तीन चार लाइन बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सात लाइन बना के फिर हम इसे जोड़ना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये सात लाइन का हमारा बना हुआ है, और एक और सात लाइन का बना के हम इसको आपस में जोड़ेंगे। ये हमारा पीछे पीछे का पोर्शन, मतलब पीठ के साइड का होगा। तो इसमें मैंने देखिए यहाँ पे सात सात लाइन बनाया, इधर मैंने एक लाइन कम बनाया है, क्योंकि हम इसे बनाते बनाते साथ ही साथ इसे जोड़ते भी जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब हम यहां बनाते हैं तीन डबल क्रोशिया एक चेन, तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया एक चेन, तीन डबल क्रोशिया, ऐसे करके हम ऊपर जाते हैं, तो एक दो तीन चार पांच छह लाइन हम ऐसे ही बनाते हैं। सातवें लाइन में हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हैं। यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया नहीं बनाते हैं इस गैप में, ये देखिए ध्यान से, हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया है, और जो गैप है उसमें हमने एक एक डबल क्रोशिया बना के एक एक चेन दे दिया है। तो अब हमें इसको जोड़ना है आपस में, तो हम इस वाले में भी वैसे ही करेंगे। ये देखिए इन दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे ऐसे, और फिर हमें ये देखिए इस गैप में मैंने बनाया ना, मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, टोटल हमारे लास्ट में सोलह आना चाहिए। ठीक है, सोलह डबल क्रोशिया, आपके सत्रह अठारह भी आता तो कोई बात नहीं, आपको लेकिन हर साइड बराबर रखना है, बढ़ाना घटाना नहीं है। अगर आपका सत्रह आता है यहाँ तो सत्रह पांचों साइड आना चाहिए, तो मेरे सोलह है। और अब मैं इस साइड में ये देखिए ऐसे करके इसको यहां से यूं जोड़ दूंगी, इस गैप को जो चेन वाला गैप था ना, इससे इसको जोड़ दिया। फिर इसी गैप में हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स, और इस डबल क्रोशिया के साथ इसको यूं जोड़ेंगे। फिर इधर आप एक और काम कर सकते हो, अगर आपको ये करने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप पांचों टिकिया बना के रख लेना, और फिर उनको उल्टी साइड से भी जोड़ सकते हो। तो मैं आपको वही बताती हूँ, वो ज्यादा आसान लगेगा आपको करने में, साथ साथ जोड़ने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो देखिए जो आखिरी लाइन है उसको मैं आपको बना के बता रही हूँ। देखिए जो गैप है उसमें मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, और उसके बाद हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। तो दो तरीके हैं जोड़ने के, या आप बनाते बनाते जोड़ते जाइए, या आप पांच टिकिया ऐसे बना के रख लें पहले से ही, और फिर उनको अलग से सिलाई कर लें धागे से, मतलब वूल से ही सुई में धागा डाल के या ऊन डाल के आप सिल सकती हो, या क्रोशिया से भी इसे आपस में जोड़ सकती हो। तो ये देखिए हम यहाँ कोने में आ गए, तो यहाँ जो चेन का गैप था उसमें मैंने एक बना दिया,
और फिर मैं एक चेन बनाऊंगी और इसको यहाँ से यूं करके बंद कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे कि दोनों टिकिया को पकड़ के आपस में क्रोशिया की मदद से ही हम सिल लेंगे। अगर आपको क्रोशिया से दिक्कत आती है तो आप सुई से सिल लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको उल्टी साइड से सिलेंगे, सीधी साइड से वो दिखती है सिलाई, तो हमें बस कोने से कोना पकड़ के आपस में इनको जोड़ते जाना है। ये देखिए, यूं ऐसे फंसाया इसको कोने से कोना पकड़ के, यूं बंद कर दिया। अब हमें हर चेन में, ये देखिए, हर चेन को पकड़ के आपस में यूं करके हमें यूं करना है। स्वेटर की सिलाई जो कांटों वाली होती है, आप सुई से करते हो, आप उस तरह से भी कर सकते हो। बस हमें चेन पकड़ते जाना है और यूं इसे बंद करते जाना है। तो ऐसे ही करके हम कोने से कोना सिल लेंगे, चाहे क्रोशिया से चाहे आप सुई से भी कर सकती हैं ऐसे। ये देखिए, आपस में ये सिल रहा है ऐसे। तो पीछे का ये पोर्शन है फ्रेंड्स, आपको पीछे इस तरह से बना लेना है, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये आपस में सिल के यहाँ तक हम नीचे तक आएंगे, इस कोने तक, हमें इस कोने से इस कोने तक सिलाई करनी है। तो या तो आप सुई से करो या तो आप क्रोशिया से ही कर लो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक यूं क्रोशिया की मदद से जोड़ लिया है। सीधे में ऐसा दिखेगा, उल्टे में ये इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ से वूल को अलग कर लेंगे। अब हम आपको तीसरा टिकिया जोड़ के बताते हैं। ये देखिए, इसे भी हम उल्टी साइड से ही सिलेंगे। हमें इसको यहां से यहां और यहां से यहां जोड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ऐसे हम यहां से शुरुआत करेंगे, यहां से यहां आएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे। ये देखिए, जो कोने हैं ना हमारे, हमें इन दोनों के कोने, जो चेन बनाया था हमने, ये जो हमारा ऐसे लंबा लंबा गया था ना, पांच कोना, बीच का चेन का गैप है, उसी गैप को हम आपस में पकड़ के यूं करके सिलते जाएंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे एक टाका लगा लो, फिर यहाँ पे एक टाका लगा लो, फिर यहाँ से सिलाई शुरू करो। तो बस हमें कुछ नहीं, पहले की तरह ही चेन से चेन को यूं पकड़ के आपस में यूं बंद करते जाना है। सिधाई में ऊपर नीचे ना हो, इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप सुई से भी कर सकती हो। देखिए, ये कोना आ गया हमारा इधर, बंद करते करते हम कोने में आ जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकती हो फ्रेंड्स। देखिए, इसका कोना जो है ये आ गया। इस कोने से पहले हम इसे बंद करेंगे, फिर हम इस कोने को यूं पकड़ के इस टिकिया के कोने को इस टिकिया के साथ यूं बंद कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर हम इधर आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमने इसको आपस में जोड़ दिया इसके साथ, यहाँ से यहाँ। अब ऐसे यहाँ से यहाँ बंद करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये हमारा पीछे का पोर्शन है,
पीठ का। अब मैं आपको ये यहाँ तक जोड़ के फिर आगे का बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम ये साइड मतलब आगे की साइड का जोड़ेंगे। ये देखिए, इधर से हम जोड़ेंगे सिर्फ इन दोनों को, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से रख के। ये देखिए ऐसे, ये हमारा पीछे का साइड का हमने जोड़ के दिखाया था आपको। अब ये बता रहे हैं हमें इन दोनों टिकिया को सिधाई में यहाँ से यहाँ जोड़ना है और इसे यहाँ से यहाँ जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसे जोड़ के बताती हूँ। जैसे पहले हमने उल्टे साइड से जोड़ा था, हम वैसे ही जोड़ेंगे इसे भी। बस कोने से कोना पकड़ के, ये देखिए ऐसे। चेन से चेन पकड़ के आपस में यूं ऐसे बंद करते जाएंगे। यहां से यहां जोड़ के फिर मैं इस साइड को भी इधर से इधर, और ये वाला जो टिकिया है ये भी उल्टे साइड से। ये देखिए, ये जो कोना वाला पार्ट है ये ऊपर होगा, यहाँ पे हमारा बटन वाला पार्ट होगा ये ऊपर रहेगा। इसमें हमें यहाँ से ऊपर तक हम इसका गला बनाएंगे। कैसे मैं आपको बताऊंगी अभी, पहले हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इन इधर से इधर और इधर से इधर। तो मैं आपको जोड़ के ये सिलाई करके फिर आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पल्लों को जोड़ लिया आपस में। ये सामने के जो हमारे दो पल्ले हैं, ये पीछे का है हमारा तीन वाला, और जो टिकिया बड़ा बड़ा आगे के लिए रखा था हमने दो, वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सिलाई हो गया है। अब हम यहाँ से एक पट्टी बनाएंगे इधर, और यहाँ से एक पट्टी बनाएंगे इधर, जो कि हमारा कंधे तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको वो बना के बताती हूँ। ये जो हमारा सामने का पार्ट ऐसा दिखेगा, तिकोना जैसा। ठीक है फ्रेंड्स, जो पांच कोने हैं जो ऐसे गया है चोटी, ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो जो ऊपर वाला चोटी है उसको हम यूं करके पकड़ेंगे। और ये देखिए, जो हमारा चेन है बीच में, हमने एक एक चेन का गैप दिया है ना ऊपर तक, तो इसी में देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पे है एक दो तीन, ये तीन के पास हम क्रोशिया ऊन को यूं लगा के जोड़ देंगे, और हम बनाएंगे एक दो तीन चेन। तीन चेन बना के ये जो चेन वाला गैप है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, दो चेन, और इधर बनाएंगे एक इधर भी बनाएंगे हम तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, और फिर एक दो तीन जो यहाँ पे है इसमें हम तीन डबल क्रोशिया के बाद वाले में या बीच में ऐसे करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरीके का दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये लंबी छोटी जाएगी ऊपर, देखिए यहाँ पे एक दो तीन, ये दूसरा लाइन है। तीन चेन बना के फिर मैं बनाऊंगी इसके बीचों बीच एक दो तीन, एक चेन, फिर एक दो तीन, फिर ये जो हमने यहाँ बनाया था ना चेन, डबल क्रोशिया गिना था हमने, वहीं पे हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक दो तीन चेन बना के हम इसे पलटी करेंगे, और फिर हम इसे ऊपर बनाएंगे। देखिए ये दो बनाना, अब ऐसे ही हमें और बनाना है ऊपर। तो ये देखिए, ये तीन चेन बनाया फिर हमने तीसरी लाइन में,
और तीन चेन बना के हम यहाँ पर फिर इसके बीचों बीच तीन डबल क्रोशिया इस साइड, बीच में दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया उस साइड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दो चेन फिर तीन डबल क्रोशिया इस साइड, एक दो तीन, और यहां बनाएंगे हम ये देखिए इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो आपको ये कितना लंबा करना है ये मैं आपको बताऊंगी अभी। देखिए मैंने फिर तीन चेन बनाया और एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, बीच में दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, उसके बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन डबल तीन चेन, और फिर यहाँ पे वैसे ही ऐसे करके हम पांच लाइन, सात लाइन अपने हिसाब से। आप अगर जैसे मैंने पहले बड़ा बनाया था उसमें मैंने ज़्यादा बनाया था, इसका मैं आपको बताती हूँ अभी। तो हमें तीन तीन डबल क्रोशिया तीन दोनों साइड करना है, बीच में दो चेन करके और साइड में हमें ये डबल क्रोशिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने टोटल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ बनाया। अगर आपको ये छोटा लगता है, इसके बराबर नहीं आता है, तो आप नौ बना लेना, और अगर आपको ये इसे लंबा दिखता है तो आप छोटा कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे रख के आप इसको नापोगे बराबर करके तो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे पीछे वाले पार्ट के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत की थी ना, तीन के बाद इधर भी तीन छोड़ा था हमने डबल क्रोशिया, वैसे ही हमने ऊपर वाले के पार्ट के भी तीन और तीन छोड़ के हम साथ में जोड़ेंगे इनको। ये देखिए, ये तीसरा के बाद यहाँ से मैं इसे जोड़ रही हूँ यूं करके। आप चाहो तो उल्टे साइड से भी जोड़ सकते हो, मैं सीधे साइड से ही जोड़ रही हूँ इसे। बस चेन से चेन पकड़ के हमें आपस में इसे बंद कर देना है यूं करके। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपका वूल पतला है तो आप 2.5 mm का क्रोशिया हुक यूज करना। मेरा वूल थोड़ा मोटा है तो 3-ply पर काफी मोटा लग रहा है देखने में, देखिए, और इसलिए मैंने इसमें 3.5 mm का हुक यूज किया है। दूसरा जो मैंने स्वेटर बनाया था, ये ब्लाउज बनाया था, उसमें मैंने 5-ply वूल यूज किया है, वो और मोटा है तो वो काफी ही थिक बना है फ्रेंड्स। उस पे तो मैंने 4.5 mm का हुक यूज किया था। जैसा आपका ऊन रहेगा उस हिसाब से ही आप क्रोशिया इस्तेमाल करोगे। अब हम इसे काट देंगे यहाँ से और ऐसे ही हम दूसरी साइड को भी जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक कंधा बनके तैयार हो गया है इस साइड का। ये ऐसे करके पट्टी गई है ऊपर तक, ये हमारा ब्लाउज है ना, बड़ा स्टाइलिश फ्रेंड्स। अभी तो इसमें बहुत काम बाकी है, हम यहाँ पट्टी भी बनाएंगे साइड में। तो ऐसे ही पहले आप इसको भी जोड़ लोगे दूसरे वाले पार्ट को। देखिए ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बनाया मैंने, आप भी आठ बना लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये बड़ा लगे तो आप छोटा बनाना, सात बनाना, और अगर छोटा लग रहा हो, यहाँ तक नहीं पहुँच रहा हो, तो आप आठ बना लेना। तो इधर भी बनाऊंगी मैं, फिर हम पूरे में डबल क्रोशिया करेंगे एक लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताती हूँ आपको ये कैसे बनाना है हमें यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पट्टी गया है ऐसे, ये आगे का पार्ट है हमारा, ये पीछे का पार्ट है, और हमें इस तरह से कंधा बनाना है आगे का। तो ये देखिए जो हमारा चेन जैसा गया है ना, छोटी बन के गई है पांच, तो ये जो ऊपर में हमारा तिकोना जैसा है, यहाँ पे हम बनाएंगे, ये हमारा जो ऐसे पट्टी बन के ऊपर तक जाएगी। मैं फिर से बताती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से देखना। ये जो बीच का हमारा चेन है ना, ये देखिए ये चेन, इससे हम तीन इधर गिनेंगे और यहां से हम शुरू करेंगे। चेन बनाएंगे एक दो तीन, तीन चेन बना के एक दो तीन डबल क्रोशिया के बाद इस गैप में एक
दो, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और इसी में तीन डबल क्रोशिया, और एक दो तीन, तीन को छोड़ के इस गैप में एक डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चेन बना के हम इसे पलट लेंगे और पलट के हम दूसरी लाइन शुरुआत करेंगे। दूसरी लाइन में भी हमें ये बीच में ही एक दो तीन, बीच में दो चेन, फिर से उसी जगह पे एक दो तीन, फिर ये जो हमने यहाँ चेन बनाया था ना, इसमें हम यूं करके एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये एक पट्टी की तरह ऊपर तक जाएगी फ्रेंड्स, हमें आठ लाइन बनाना है ऐसा। तो यहाँ पे एक दो तीन चेन बनाएंगे और फिर से एक दो तीन, दो चेन इसी में एक दो तीन, फिर यहां पर ऐसे डबल क्रोशिया। ये देखिए ये पट्टी हमारी जा रही है ना सीधे ऐसे ऊपर तक जाएगी, तो हमें टोटल ऐसे आठ बनाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो ये छोटी यहां से यहां तक जा रही है, ऐसे ऊपर जाएगी जैसे हमने इस पार्ट में बनाया है। ये देखिए ऐसे दिखेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये पूरा करके आपको जोड़ के बताती हूँ। तो ये देखिए कंधे जुड़ने के बाद ये ऐसा दिखेगा, देखिए पट्टी सी बन गई है। और ये हमारा आगे का पार्ट, ये हमारा पीछे का पार्ट। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इस पे बॉर्डर बना लो। जो मैंने बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने एक और ब्लाउज बनाया उस पे तो मैंने बॉर्डर बनाया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये ब्लाउज बनाया था, ये काफी बड़ा बना है, मतलब ये 36 से 38 साइज को आराम से आ जाएगी। ये देखिए ये इससे काफी बड़ा है, ये छोटा है, ये 32 से 34 साइज के लिए है। ये देखिए इस पे मैंने ये एक मल्टी कलर का वूल था, सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट वूल था फ्रेंड्स, तो मैंने उसको इस्तेमाल किया। ये मैंने बाजू के बॉर्डर बनाए जिसे स्वेटर में होते हैं, ये इसका नेक बना है ऐसे करके, और ये दूसरा बाजू है। यहाँ पे मैंने एक बटन लगाने के लिए, आप चाहो तो आप पूरा बटन लगाओ, एक बटन होगा तो आप कुर्ती पे भी पहन सकते हो, गर्ल्स पहन सकती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, और शर्ट की तरह आप इसे पहन सकते हो। और अगर आप इसमें पूरा बटन लगाओगे तो ये ब्लाउज की तरह बन जाएगा, जैकेट की तरह। ये देखिए पीछे का पार्ट ये है, ऐसे शोल्डर है ये, मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ पहना के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे समझ में आएगा बॉर्डर कैसे बनाना है, ये मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताती हूँ। अगर आपको इतना ही चौड़ा बॉर्डर बनाना है तो आप बना सकती हो, नहीं तो आप सिर्फ डबल क्रोशिया कर सकती हो पूरे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये पट्टी जा रही है, ये कोना है, यहां से शुरुआत करेंगे ऐसे करके, या तो आप पूरे में सिंगल क्रोशे कर लो या डबल क्रोशे कर लो एक लाइन, उसके बाद नेक्स्ट वाले में फ्रंट पोस्ट, उसके बाद वाले में बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट। एक बात का और ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप का बिल्कुल खींचा खींचा बॉर्डर बनाना है जैसे कि हम सिलाइयों से बनाते हैं, तो आपको एक साइज छोटा क्रोशिया यूज करना है। 3.5 से हमने बनाया है तो हम ये जो बॉर्डर बनाएंगे इसमें हम 2 mm या 2.5 mm का यूज करेंगे, तो ये जो बॉर्डर है ऐसा खींचा खींचा आएगा। इससे मैं अभी आपको सिर्फ बताने के लिए बना रही हूँ, नहीं तो मैं यूज करूंगी इसमें 2.5 mm।
तो हमें बस एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट ऐसे बनाना है। तो ये बॉर्डर थोड़ा अलग बनेगा। ये बॉर्डर मैंने दो फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट ऐसे करके बनाया था, तो आप चाहे ऐसा बना लो चाहे ऐसा बना लो। और भी वीडियोस में मैंने पोंचो वगैरह में ये नेक बनाना बताया है, ये बॉर्डर बनाना, तो आप आराम से बना लोगे। अगर नहीं बना पाए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं किसी पोंचो में या किसी और स्वेटर में आपको बना के पूरा बताऊंगी। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बना के बता रही हूँ। एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट ऐसे करते करते आपको पूरा इसका चारों तरफ गले में और नीचे जैसे मैंने इसमें बनाया है, मैं आपको ये पहना के बताती हूँ मैनीक्वीन में, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये कैसा दिखता है। बहुत ही सुंदर बन के आया है फ्रेंड्स, ये देखिए कितना हैवी बना है ये, और ये जो बॉर्डर है ये काफ़ी अच्छा खींचता है। अगर आपको फुल स्लीव्स बनानी है तो आप इसी को घटाते घटाते बना सकते हो। देखिए यहाँ से मैंने तीन तीन घर घटाया है दोनों तरफ से दो लाइन, तो ये थोड़ा छोटा हुआ है, तो वैसे ही आप घटा घटा के भी बना सकते हो। तो ये आपका फुल बाजू भी बन सकता है, हाफ बाजू भी बन सकता है और स्लीवलेस भी बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये मैनीक्वीन में डाल के फिर बताती हूँ। फ्रेंड्स एक और बात, अगर आपको ये पतला सा ये जो दिख रहा है पट्टी जैसा ये ऐसा अच्छा लग रहा है, आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकती हो जैसे मैं इसमें कर रही हूँ। उसमें मैंने बॉर्डर बनाया है ग्रीन वाले में, इस पे मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि हाफ डबल क्रोशिया कर दूं, उससे भी ये अच्छा लगेगा देखने में। मैं आपके साथ कुछ फोटोज भी शेयर करती हूँ अभी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सिर्फ आप ऐसे हाफ डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया का भी एक लाइन पूरे में कर दोगे तो वो एक प्यारा सा कुर्ती पे पहनने वाला जैकेट या ड्रेसेस पे भी पहन सकते हो आप, वैसा दिखेगा शरक की तरह। अगर आपको प्रॉपर स्वेटर का लुक चाहिए ब्लाउज का लुक चाहिए तो फिर आप बॉर्डर ही बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, दो फ्रंट पोस्ट दो एक बैक पोस्ट ऐसे करके छोटे क्रोशिया साइज से, फिर ये ऐसे खींचा हुआ बनेगा जैसे वो स्वेटर का बनता है सिलाइयों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें पूरे में हाफ डबल क्रोशिया करके फिर आपको मैनीक्वीन में ये पहनाकर बताती हूँ, और मैं आपके साथ वो फोटोज भी शेयर करती हूँ, फिर आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमने पट्टी बनाई थी ना उस पे मैं दो दो ही कर रही हूँ, बीच में ऐसे करके दो हाफ डबल क्रोशिया, और ये जो यहाँ पर है यूं चेन में ऐसे फंसा के एक हाफ डबल क्रोशिया, बीच में दो जो गैप है। और यहां पर एक, तो ऐसी करके हम पूरे सब तरफ बनाएंगे इसके नेक में। ये देखिए ऐसे करके इसके हम पूरे नेक में बनाते हुए यहां तक आएंगे, यहां तक, फिर नीचे की साइड भी बनाएंगे। तो बनने के बाद ये कैसा दिखेगा, सिर्फ ये सिंगल क्रोशिया, आप चाहो तो इसमें शेल डिजाइन भी डाल सकती हो वो भी अच्छा लगेगा, या बॉर्डर जैसा मैंने इसमें बनाया, आप किसी भी तरह से बनाओ। अगर गर्ल्स पहन रही है यंग गर्ल्स कॉलेज गोइंग, तो उनको तो ये सिंपल सा ही ये पतली पट्टी वाला ही अच्छा लगेगा। थोड़े एल्डरली होते हैं हमारे मम्मियाँ और उनको ये बॉर्डर वाला अच्छा लगेगा, थोड़े चौड़े से हाफ ब्लाउज का फील आएगा, इससे लुक आएगा। अदरवाइज गर्ल्स के लिए तो आप बस हाफ डबल क्रोशिया कर सकती हो सब तरफ से, इधर से भी नीचे के साइड भी। इसको आप थोड़ा और लंबा भी कर सकती हो हाफ डबल क्रोशिया करके, या आप कोई डिजाइन डाल के थोड़ा और लंबा बना सकती हो इसको, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर जोड़ के ही बना सकती हो। तो ये तो है ब्लाउज या जैकेट कुर्ती पे डालने वाला, या शर्ट की तरह कैरी करने वाला, एक बटन लगा लो या पूरे में बटन लगा लो। ठीक है फ्रेंड्स, या इसकी तरह पूरा आप इसका बटन पट्टी जो है बना लो मोटा सा। ये देखो फ्रेंड्स ये कितना चौड़ा सा बनाया है मैंने, ये काफ़ी थिक सा बन के आया है कड़कती सर्दियों के लिए जहाँ बर्फ वगैरह गिरते हैं, ये काफ़ी अच्छा है बहुत गर्म करने वाला मोटा। ये देखिए 5 ply वुल यूज़ किया है मैंने इसमें, काफ़ी थिक वुल है और सॉफ्ट है। सो फ्रेंड्स आप इस कलर में भी बना सकते हो, ये देखिए ब्लू में है ये ग्रीन कलर में है और ये वाइट कलर में, इस तरह का दिखेगा अगर आप थोड़ा थिक वुल से बनाओगे तो। और ये आप थ्रेड से भी बना सकते हो गर्मियों के लिए,
पिंक कलर में भी बना सकते हो। और ये देखिए मैंने ये मैनीक्वीन में पहना कर डालकर दिखाया है, इस टाइप का दिखेगा। गर्ल्स के लिए बनाना है आपको, कॉलेज गोइंग गर्ल्स वो टॉप पे भी पहन सकती हैं एक जैकेट की तरह, या कुर्ती के ऊपर पहन सकती हैं। एक बटन लगा दिया है मैंने वूल का ही बना के, और ये देखिए पीछे से ये इस टाइप का दिखता है। बहुत अच्छे से बॉडी पे बैठ जाएगा ये, किसी टाइप का बॉडी हो, आप अगर दुबले हो या आप थोड़े हेल्दी हो तो भी आप पे ये अच्छा लगेगा, आपके बॉडी पे बिल्कुल बैठ जाएगा खूबसूरत से। ये देखिए ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स। आपको चाहिए तो आप इसमें बॉर्डर बना लो, जैसे मैंने ग्रीन वाले में ऑरेंज बॉर्डर बनाया है, या आप ऐसे ही बस मैंने इसमें हाफ डबल क्रोशिया सभी साइड से कर दिया है। तो ये देखिए ये ऐसे खुला रहेगा अगर गर्ल्स पहनना चाहती हैं, नहीं तो आप इसको बॉर्डर बना के पूरे में बटन लगा सकते हो ऊपर से नीचे तक, अगर आपको ब्लाउज की तरह चाहिए साड़ी पे पहनने के लिए। तो ये आपको मैंने दिखाया, मैं आपको ग्रीन वाला दिखाती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा साइज है, एक्सेल टू डबल एक्सेल 36 से 38 साइज को आराम से आ जाएगा। इसमें थिक बॉर्डर है, पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसकी लंबाई बड़ी आई है क्योंकि वो मैंने 7 लाइन का बनाया था, ये मैंने 8 लाइन का बनाया है, और वूल भी 5 प्लाई है और बॉर्डर भी है, तो इसकी लंबाई काफ़ी नीचे तक आई है। इसमें आप पूरे में बटन लगा लो नीचे तक, या खुला रख सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, आई होप अच्छा लगा हो, तो लाइक करना ना भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।